दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां आदमी मौत को छूकर टक से वापस आ जाता है, और कई बार मौत एक झटके से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब सिवाय हाथ पैर फूलने के लोगों के पास कुछ नहीं बचता। तो आइए आज आपको लोगों के साथ घटी 7 ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये घटना भारत के पंजाब स्टेट के जालंधर की है। ये तेंदुआ यहाँ 19 फरवरी 2019 को होशियारपुर से आया था और 4-5 दिन से इस गांव के बाहर देखा जा रहा था। इस गांव में देखने के बाद दहशत से लोग दिन में भी लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। जब ये गांव में घुसा तो इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मगर ये टीम ही कई घंटे देरी से इस गांव में पहुंची। इसके बाद इस तेंदुए ने वन विभाग की टीम के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि इसे बेहोश करने के लिए 3 बार बेहोशी के ट्रैक्यूलाइजर लगाए गए। मगर फिर भी इसने लगभग 11 घंटों तक पूरे गांव में अफरा तफरी मचाई, 6 लोगों को घायल भी कर दिया। ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से 11 घंटे की मेहनत के बाद इसे पकड़कर चंडीगढ़ के छतबीर जू में भेज दिया गया। इस माजरे की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर देश विदेश में कुछ दिनों तक छाई रही। आपको बता दें, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 13,535 तेंदुए हैं। भारत में जंगलों के पास बसे गांवों में आए दिन हाथियों के अटैक होते रहते हैं। इस वीडियो में दिखाई जा रही घटना भी भारत के गांव की ही है। इस गांव में अचानक एक अकेला हाथी भटकता हुआ आ जाता है। इस गांव में घुसकर किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए गांव वाले इसे यहां से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर किसी और को तो नुकसान नहीं पहुंचा सका, पर इन भगाने वालों में से एक के पीछे पड़ गया। ये हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके पीछे दौड़ा। इसके सामने दौड़ रहा व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है हाथी उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और लगता है ये इसे अपने मुंह से कुचलकर मार डालेगा, जैसा कि आमतौर पर हाथी करते हैं। पर ये आदमी फिर उठता है और भागता है, लेकिन फिर लड़खड़ा जाता है। मगर इसकी किस्मत अच्छी थी जो हाथी आदमियों के चिल्लाने से डर कर भाग गया और इसे छोड़ दिया, वरना इसे हाथी जान से मार चुका होता। जंगल सफारी करते हुए कुछ लोग बंद कार में अपने आप को ओपन कार से ज्यादा सेफ समझते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवर बेहद जिज्ञासु होते हैं। उन्हें बंद चीजों के अंदर तांक झांक करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। ये घटना साउथ अफ्रीका के जंगल की है, जहां कुछ लोग बंद कार के अंदर से ही शेरों को देखने और उनके फोटो खींचने के लिए उनके बेहद करीब चले जाते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब ये शेर कार के दरवाजे के पास आ जाते हैं। कार में बैठे लोगों को लगा कि ये शेर भी इन कारों के आदि हो चुके हैं, इसलिए इनसे क्या डरना। पर जैसे ये शेर कार के पास आया, इसने कार के दरवाजे के हैंडल को अपने मुंह में दबाकर खोलने की कोशिश की। कार में बैठे लोग ये सब चुपचाप तब तक देखते रहे जब तक उसने दरवाजा नहीं खोल दिया। पर जैसे इसने दरवाजा खोला, सबकी चीखें निकल गई, जिससे शेर ने उस दरवाजे को छोड़ दिया। इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। उसके बाद ये सफारी वाले तेजी से वहां से निकल गए, वरना आप जानते हैं इनका क्या होता। सांडों की फाइट स्पेन में होती है, लेकिन यहाँ बहुत से सांडों को स्पेन में होने वाले सैन फर्मिन फेस्टिवल के दूसरे दिन गलियों में दौड़ाया जाता है। ऐसे ही घटना घटी, जब लोग सांड के डर से कार के पीछे छिप रहे थे, तो सांड ने इस रास्ते में आने वाली इस कार को कुचलना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इस कार में 7 लोग बैठे हुए थे, फिर भी 7 लोगों के वजन के साथ इसने एक झटके में ही कार को उसके बोनट की साइड से अपने सींगों से उठा दिया। इस कार का वजन इसमें बैठे हुए आदमियों के साथ लगभग 1400 से 1500 किलो था। इतने भारी गाड़ी को इसने बड़े आराम से उठा दिया। इससे पता लगता है कि सांड में कोई मामूली ताकत वाला जानवर नहीं है दोस्त, आगे से बचकर रहना। ये वीडियो भारत के गुजरात में स्थित गिर वन का है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुआ, जहां एक आदमी जंगली और ऊपर से भूखी बब्बर शेरनी को चढ़ा रहा था।
वो भी एक जिंदा चिकन के साथ। ऐसा लगता है जैसे इस शेर को इसने पालतू बना रखा हो। इसे देखकर लगता है कि ये शेरनी आए दिन इसके पास शिकार के लिए आती होगी, तभी तो ये आदमी जंगल के इस खतरे के साथ मजाक कर रहा है। पर अगर शेरनी ने इसके साथ मजाक कर दिया तो क्या होगा। लेकिन कुछ देर बाद इसने मुर्गी को शेरनी की तरफ उछाला और वो इसे लेकर भाग गई। ये घटना है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जू की, और जो टाइगर के पिंजरे में आदमी दिख रहा है उसका नाम है यशोनंदन कौशिक। ये जनाब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, शायद पढ़ाई से तंग आ गए और कुछ बड़ा करने का सोचा। फिर क्या, 23 साल के इस नौजवान ने दारू पी और जू में जानवरों को देखने के लिए निकल गया। पर शायद इसका प्लान जानवरों को देखने का नहीं, बल्कि जू के खतरनाक जानवरों से भिड़ने का था। और इसी वजह से ये टाइगर के पिंजरे के चारों ओर बनाई गई 20 फीट की दीवार कूदकर लव और कुश नाम के दो टाइगर के बाड़े में चला गया। और शर्ट उतारकर टाइगर्स को कायर बोलते हुए इन्हें लड़ने के लिए चैलेंज करने लगा। इसकी इस हरकत से दोनों टाइगर डर जाते हैं और दूसरी ओर भागते हैं। लेकिन 45 मिनट के इस ड्रामे के बाद इसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब ये खुद था जो इन टाइगर्स के पिंजरे में कूद गया था, यह शराब ने इसे कुदवाया। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन दो दोस्तों को देखिए, ये दोनों बरसात के दिनों में मछली पकड़ रहे हैं, वो भी हुक से। पर जैसे ही इनके हुक में मछली फंसती है ये खुश हो जाते हैं। पर जो मछली इनके हुक में फंसी थी वो अपने साथ साथ एक खतरनाक जानवर को भी ले आई, जिसे देखकर दोनों की हवा निकल गई। इसका दूसरा साथी इसे हुक को पीछे रहकर खींचने के लिए कहता रहता है, मगर इन दोनों के हुक में फंसी मोटी मछली का लालच इन्हें पीछे हटने नहीं देता। मगर इस मछली के साथ एक बड़ा मगरमच्छ तैरता हुआ मछली को खाने के लिए आ जाता है। ये दोनों हुक में फंसी मछली को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़कर एक झटके में निगल जाता है। लेकिन अगर ये दोनों लोग मगरमच्छ के थोड़े से भी पास होते तो शायद अगला निवाला इनमें से कोई एक बन जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।